कैथल के कस्बे राजौंद में बीते रविवार सड़क हादसे में एक बीएसएफ जवान, उसकी पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक परिवार बिहार का रहने वाला था जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मेन रोड पर राजौंद में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई है, जिसमें गाड़ी में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब इन चारों को कैथल के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, इसी दौरान बीएसएफ जवान, उसकी पत्नी और उसकी चार वर्षीय बेटी ने दम तोड़ दिया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल होने के चलते उसे चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। राजौंद और नरवड़ के बीच एक एक्सीडेंट हो गया है कार और कैंटर का, तो वहाँ मौके पर गए तो तीन, एक औरत, एक बीएसएफ का जवान, एक इनकी लड़की है। कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की उम्र है 4/5 साल। बीएसएफ का जो जवान है उसकी उम्र है अबाउट 35 साल और इसकी पत्नी है उसकी एज है 30 साल है करीब। एक्सीडेंट में लेकर यहाँ जीएच कैथल दाखिल करा दिए थे। इनकी मौत होगी दाखिल बीच रास्ते में ही इनकी मौत होगी। इनका ड्राइवर था वो रेफर कर दिया चंडीगढ़ 12 का। इस दर्दनाक हादसे ने एक भरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बहरहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी वी, चंडीगढ़।